रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच भारत के विदेश मंत्री दो दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे और चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई। अमेरिका रूस में एस जयशंकर के बयान से काफी खुश दिखाई दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान दिया गया कि रूस को खास तौर पर भारत जैसे देशों से कूटनीति और बातचीत का संदेश सुनना चाहिए। नेट प्राइस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवारोव की मुलाकात को लेकर कहा, बीते कुछ महीनों में भारत के विदेश विभाग से हमारी कई बार बातचीत हुई। कुछ महीने पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की एस जयशंकर से मुलाकात हुई थी। नेट प्राइस ने कहा कि रूस के लिए एस जयशंकर का संदेश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सलाह से अलग नहीं है जो उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी थी। पीएम मोदी ने समरकंद में व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। नेट प्राइस ने कहा है कि भारत ने फिर ये बात दोहराई है कि वो इस जंग के खिलाफ है। नेट प्राइस ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस के युद्ध का हल बातचीत और कूटनीति के जरिए देखना चाहता है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि भारत यूक्रेन में रूस की ओर से किए गए खून खराबे का अंत देखना चाहता है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारत की भूमिका की अहमियत को लेकर नेट प्राइस ने कहा कि सभी देशों से रूस को ये संदेश सुनना चाहिए। खास तौर पर जरूरी ये है कि रूस इस संदेश को भारत जैसे देशों से सुने। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। ऐसे में अमेरिकी प्रवक्ता ने इस मामले में यूएस का पक्ष दोहराते हुए कहा है कि सामूहिक हितों को देखते हुए भारत को रूस पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, लेकिन ये मामला भारत और रूस के द्विपक्षीय हित से जुड़ा है। अमेरिका का ये मानना है कि देशों को ये समझना चाहिए कि रूस ना तो ऊर्जा के मामले में विश्वसनीय हो सकता है और ना ही सुरक्षा उपकरणों की सप्लाई के मामले में। अमेरिका का कहना है कि रूस किसी भी क्षेत्र में भरोसेमंद नहीं है। ऐसे में भारत को अपने रिश्ते रूस के साथ कैसे रखने हैं उस पर उसे विचार करना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की ओर से ये भी कहा गया है कि ये बेशक यूक्रेन के हित में नहीं है, लेकिन सामूहिक हित में जरूर है। इसलिए भारत को रूस पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए, लेकिन भारत की तरफ से ये बात साफ तौर पर कह दी गई है कि जो भी भारत के लिए फायदे का सौदा होगा, भारत उसी सौदे के साथ आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।